मार सकते हैं, पीट सकते हैं, हाथ चला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को डर खत्म हो गया। तो अब हमें दूसरा तरीका ढूंढना था। तो उसमें था कि हम बच्चों को एक क्रिएटिव में कैसे पढ़ाए, तो उसी के लिए हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे इतने एक सेंटर था, क्रिएटिव सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, मतलब उस क्रिएटिव थिंग्स को जो समझाते हैं उसका एक अलग सेंटर बनाया हुआ था। और जो वहाँ के प्रोफेसर थे वो अमेरिका में जॉब करते थे एक एमएनसी में, तो उन्होंने अहमदाबाद में आके उन्होंने अपना सेंटर खोला और बच्चों को नई नई डिस्कवरी अपनी जो टूल्स होते हैं मैथ्स की साइंस की किट बना के वो स्कूल्स में प्रोवाइड करवाते थे और सिखाते थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। थैंक यू। मेरा नाम अर्पण शर्मा है। मैं आशीष की बात में ऐड करना चाहूँगा कि जब हम मुंबई गए थे तो लास्ट डे हमको फर्स्ट डे हमको रिसर्च पेपर दिए गए थे मैथमेटिक्स के, जिससे हमें ये भी पता चला कि क्या क्या रिसर्च हुई है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ना था और प्रेजेंट करना था, तो उसके थ्रू भी हमें पता चला कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और एक्टिविटी मेथड से कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि नॉर्मल पेन पेपर लेके बोर्ड लेके पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों में इंगेज करना, ठीक है बच्चों को समझ आए, वो मुश्किल हो जाता है। तो उसको आसानी से कैसे करें वो हमें बताया।